हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लुलु मॉल। बहुत ही बैंगलोर का फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना है, कहीं से भी आप यदि आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, तो कैसर बैंगलोर मेट्रो में उतर सकते हैं और वहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट है, उसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पे एग्जिट करना है, आसानी से लुलु मॉल में चले जाएंगे। और यदि आप कैसर बैंगलोर रेलवे स्टेशन में है, तो वहाँ पे गूगल मैप के हेल्प से वॉकिंग करके आसानी से 5 to 10 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको लाइव करके सब कुछ दिखाते हैं। केएसआर बेंगलोर मेट्रो के अंदर ही आपको यहाँ पास दिया गया लुलु मॉल के लिए ई से एग्ज़िट करना है। वहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट है CDND, तो यहाँ से ई पॉइंट से एग्ज़िट करेंगे और लुलु मॉल के साइड में चले जाएंगे। बेंगलोर मेट्रो के अंदर ही आपको ये पास मिलेगा डायरेक्ट मॉल जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो नीचे ई पॉइंट में लिखा हुआ है। केएसआर बेंगलोर मेट्रो के अंदर हूँ और यहाँ से चल रहे हैं लुलु मॉल, क्योंकि नियरेस्ट मेट्रो केएसआर बेंगलोर मेट्रो है। आप आउटसाइड से भी जा सकते हैं गूगल मैप के हेल्प से। यहाँ से देखते हैं एग्जिट करने वाले लुलु मॉल यहाँ से कितना दूर है। यहाँ से निकल चुके हैं, तो आप जैसे ही चूज करेंगे ना लुलु मॉल के साइड एग्जिट पॉइंट, तो डायरेक्टली इस रोड में आप निकल जाएंगे। यहाँ से राइट साइड लेनी है और आपको वॉक इन करके चलना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी बज रहे हैं 4:10 PM इन द इवनिंग। यहाँ से वॉक इन करके जाना है। हमारे ब्लॉग में देखे बने रहिए, क्योंकि हम अभी इनसाइड व्यू आपको दिखाने वाले हैं लुलु मॉल में क्या खासियत है। इसके अलावा बहुत सारे मॉल जो बेंगलोर में हैं उसका भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो हमारे चैनल में बेंगलुरु डायरी करके एक प्लेलिस्ट लगा के देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बेंगलुरु मेट्रो पे मॉल में बेंगलुरु से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है हमारे चैनल में। देखो कितनी खास बिल्डिंग है, उसके जस्ट सामने ही आपको लुलु मॉल मिलेगा। अब हो चुके हैं वॉकिंग करते करते मुझे 5 मिनट्स, और इधर से लेफ्ट साइड आपको मिलेगा मॉल एंट्री पॉइंट, वहीं पे है। देखो ये है मॉल एंट्री का पॉइंट, ये क्रॉस करना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं लुलु मॉल एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर आपको इनसाइड व्यू दिखाएंगे। मॉल में एंट्री कर चुका हूँ और एंट्री के साथ ही देखो यार काफी अच्छा डेकोरेशन है, ऊपर में काफी मस्त लगा हुआ है। वाओ, यहाँ पे है मसाज चेयर। एंट्री के साथ ही यहाँ पे बड़ा सा है यार हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट सुना था, हाइपर मार्केट। इतने सारे ग्रॉसरी वगैरह के, काफ़ी बड़ा है। ये ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, बैग डिपॉजिट पॉइंट। ग्राउंड फ्लोर के एंड में यहाँ पे ट्रेंड्स, कोल्ड स्टोन, यहाँ पे फिर से वही डिज़ाइन। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार मेरे को, देखो काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है और एक कैंडल के जैसा ये लुक आ रहा है। ये मस्त, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आर्ट गैलरी, आगे यहाँ पे कुकीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज हैं, बहुत सारे कुकीज। चलते हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ओर। डेकैथलॉन, इसमें काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये, और इसमें एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे। पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में आते ही आपको यहाँ पे नाइका के ब्रांड, वाओ, सनग्लासेस। ये वेस्ट साइड, यहाँ पे जनरली मैं देख रहा हूँ अपैरल के या फिर मोस्टली आपको जो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने देखा ग्रॉसरी वगैरह के काफ़ी बड़े बड़े हैं वो शॉप। पेंटालून्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे, सफारी के यहाँ पे है यार। ऑफर्स वगैरह चल रहे होते तो मैं सोचता लेने के लिए, बट कोई ऑफर नहीं है देखने से लग रहा है। सैमसंग, अब यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए भी जगह दी गई है, थोड़ा बैठते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मॉल। फैशन स्टोर, मैन वीमेन एंड किड्स। अभी फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा बैठा हूँ, जगह जगह पे थोड़ी बैठने के लिए दी गई है इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पता नहीं कुछ हो सकता है, कुछ सामान रखने के लिए दिया हो।
हाँ की फिनिशिंग देखो काफ़ी अच्छी है बैठने के लिए। आगे आपको दिखाएंगे, ये देखो काफ़ी थोड़ा वंडरफुल टाइप से लग रहा है कि पूरा एक स्टेचू है, उसमें बीच का पार्ट गायब है, नीचे बस बेस के साथ वो अटैच है और बीच का पार्ट है ही नहीं। बता दो, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे आने के लिए ना, KSR बेंगलुरु मेट्रो इज द नियरेस्ट मेट्रो, वहाँ से वॉकिंग करके आप 7 to 10 मिनट्स में इजीली पहुँच सकते हैं। वहाँ से या तो आप गूगल मैप की हेल्प से पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाती है, स्ट्रेट रास्ता है। ये दिखाता हूँ क्या कलाकृति है, सोच ये जो इसका लेफ्ट साइड में सपोर्ट है ना, उसकी वजह से ये खड़ा है, बाकी बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया। स्टारबक्स काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड है यहाँ पे, वो कैप्सी वगैरह भी दिया गया है। ये शायद हो सकता है लास्ट फ्लोर में होगा, हमेशा फूड कोर्ट जो है वो तो हमेशा थर्ड फ्लोर या लास्ट फ्लोर में ही होते हैं। गाइस बता दो कि यदि आप KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन आते हैं एंड आपकी जो ट्रेन है कुछ डिले हो चुकी है या फिर 3-4 घंटे का टाइम है आपके पास, तो डेफिनेटली यू कैन कम हियर। यहाँ पे वहाँ से भी आपको KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से भी वॉकिंग आपको 10 to 15 मिनट्स पड़ेंगे, तो आराम से यहाँ पे आ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा मॉल है और अच्छा खासा टाइम हमारा यहाँ पे चला जाएगा। चल रहे हैं यहाँ से सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, सेकेंड फ्लोर दिखाते हैं। दिस इज मान्य फास्ट ट्रैक लेंसकार्ट विज गो कलर्स बीबा विस्मय, ये सारी चीज आपको दिखा रहा हूँ सेकेंड फ्लोर के लिए। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर थर्ड फ्लोर और वहाँ पे दिखाएंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसमें क्या है। सेकेंड फ्लोर पे फंतुरा, यहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं, शायद गेमिंग जोन है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया बहुत बड़ा है भाई। ये है लुलु मॉल का गेमिंग जोन, और इससे पहले मैं इतना बड़ा गेमिंग जोन मैंने कभी नहीं देखा था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपने ऐसा गेमिंग जोन पहले देखा है या नहीं देखा है, देखा है तो कौन से मॉल में देखा है, बैंगलोर में इसके अलावा भी कोई मॉल है तो बताइए, सो दैट मैं उस मॉल में भी जाके एक्सप्लोर कर सकूँ। आ चुके हैं यहाँ पे फूड कोर्ट, और कभी आप मॉल आओ फूड कोर्ट नहीं आओ तो फिर मजा ही नहीं आता है। बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है और खाने के लिए भी मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे यदि आप आते हो तो एक बार गेम जोन जरूर मैं सजेस्ट करूंगा। देखो यहाँ पे सामने गेम जोन है, काफी मजेदार है, वहाँ पे अंदर जाने के बाद इस सबकी दौरा जैसे कि आप किसी गेमिंग वाली वर्ल्ड में आ गए हो। यहाँ आपको मिलेगा देखिए रोल्स ऑन व्हील्स, ठीक है, और यहीं पे सामने फंटूरा है, तो यहीं पे आपको गेमिंग जोन रहेगा। ये आगे देखते हैं और कौन कौन सा है, इसमें अच्छी खासी फिर बैठने बैठने के लिए दिया गया है, फूड कोर्ट में बैठने की जगह मैंडेटरी है यार, क्योंकि तो थक जाते हैं पूरा घूमते घूमते। ट्विस्टिंग स्कूप्स कोकोनट्स मेरे को बहुत पसंद है, देखते हैं वहाँ पे कोकोनट्स का क्या मिल रहा है। वहाँ पे सामने पहला ब्रांड देखा हूँ जो किसी मॉल में है ना, कोकोनट है, तो यहाँ भी बैठने बैठने के लिए अच्छा खासा दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर और एक है, और एक फ्लोर है, छोटा सा फ्लोर है, यहाँ पे जूस बार्स, कोकोनट फ्लावर्स, रोल पेस्टिंग्स। यहाँ पे कोकोनट वाले में क्या है, टिंडर कोकोनट और लाइक कोकोनट के मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी है, अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो 90 रुपीज़ से लेकर आपको 200 तक 300 तक की आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब फाइनली अब जाएंगे यहाँ से ये लास्ट फ्लोर पे, हल्दीराम्स, नाइस अगेन हल्दीराम मुझे मिला है, इसके पहले हल्दीराम में हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं। फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे हल्दीराम में कुछ स्नैक्स खाने के लिए, डिनर के लिए भी देखते हैं कुछ डिनर के लिए होगा। तो फाइनली हल्दीराम में हमने ऑर्डर कर दिया है दाल फ्राई जीरा राइस सलाद एंड पिकल 169 की, मुझे काफ़ी मतलब सही लग रहा है यहाँ पे, वो भी हल्दीराम में 169 का प्राइस है, अदरवाइज बाहर खाएंगे तो यही आपको 230-330 अराउंड लगभग 200-300 रुपये तो लग ही जाएंगे।
चुका है हमारा दाल फ्राई, जीरा राइस, ये कुछ लगता है मूंगफली और उसके कुछ हैं पिकल और सैलेड, मस्त खाते हैं। फाइनली हल्दीराम से निकल चुका हूँ और मस्त मेरा डिनर भी हो गया है। मुझे थोड़ा ये सस्ता लगा तो खा लिया मैंने, अच्छा लगा। अच्छा खासा ये रेस्टोरेंट है, बड़ा है, डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छे किए गए हैं टेबल्स पे। पंजाब ग्रिल काफ़ी बड़ा है फूड कोर्ट यार, एक सराउंडिंग से एकदम शुरू होकर एकदम देखो अभी तक ख़त्म नहीं भी है। तो इधर KFC, डोमिनोज, टेको बेल, मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग सब एक साइड साइड से, जितने टॉप ब्रांड वगैरह है ना। तो गाइस ये कुछ थी यहाँ की कुछ क्या बहुत सारा कुछ था यहाँ का। गेमिंग जोन से आपको दिखाया और जो भी चीज़ें यहाँ फूड कोर्ट में थी वो सारी चीज़ आपको दिखाया। आ चुके हैं एकदम टॉप फ्लोर पे सिनेपोलिस मूवीज़ के लिए। ये थोड़ा ज्वेलरी वगैरह के लिए कुछ है गर्ल्स के लिए, आगे भी टिकट्स वगैरह कुछ है, देखते हैं आगे जाके क्या है। फिर से गेमिंग जोन, बहुत बड़ा गेमिंग जोन है, मुझे लगा कि मैं हमने सब कुछ जो है देख लिया है, बट यहाँ पे अभी देखो इतनी सारी चीज़ें। XD थिएटर देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे लग रहा है इससे कि क्लाउड ऊपर में है, बस बारिश होने वाली है। अभी हो चुके हैं इवनिंग के 6:30 और रात में यहाँ का जो लुलू मॉल का है ना एक यूनिक फीचर्स काफ़ी खूबसूरत, आपको दिखाता हूँ। लुलू मॉल आते हैं तो आप लास्ट में मतलब इवनिंग का जरूर से जरूर इसको एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पे फैशन लुलू स्टोर कितना खूबसूरत, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी के फ्रंट एंड में इस तरह की LED वगैरह लगी है और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे BBQ भी है भाई, ये बाद में मेरे को दिख रहा है, लग रहा है इधर से ही एंट्री होगी इसकी। और आउटसाइड भी देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मोमोज के लिए है पूरा का पूरा। देखो लाइटनिंग से जगमगा रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, आते टाइम में वो चीज़ें क्लियर नहीं थी क्योंकि लाइट नहीं जला था, इवनिंग के टाइम में ये पूरा जगमग जगमग हो जाता है, मस्त क्लाउड यहाँ से लग रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू है भाई, इधर से पूरा क्या पूरा क्लाउड दिख रहा है और ये देखो क्या व्यू है। यहाँ पर लाइटिंग दी गई जिसकी वजह से ये पौधे का मस्त लग रहा है। और देखो ये स्टेयर्स में लाइट है, एक तरह से सेंसर लगा हुआ है मुझे लगता है, जैसे यहाँ पे रखते हैं पैर तो जलने लगता है, पूरा पूरा ऐसे लग रहा है दीपावली जल रही हो मस्त। आगे भी वहाँ पे भी जाओगे ना उधर भी लाइटनिंग आ गई है, देखो पूरा स्टेयर्स में इधर लाइट। यहाँ से दिखाता हूँ, देखो क्या व्यू है भाई। इस मॉल का तो इनसाइड से ज़्यादा आउटसाइड ही ब्यूटीफुल है, तो वहाँ पाओगे तो मतलब इवनिंग के टाइम में आओ जिसमें आपको दोनों लुक पता चल जाएगा, लाइक डे का भी आप इंजॉय कर लोगे और थोड़ा नाइट का भी कर लोगे, क्योंकि नाइट में जो मॉल है ना फर्स्ट टाइम इतना इस तरीके का मॉल दिख रहा हूँ जिसमें इतनी सारी लाइटिंग लगी है। इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में
तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू, टेक केयर, बाय। थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कमेंट करना नहीं भूले, जो भी इस मॉल में आ चुके हैं उन्होंने आप लोगों ने क्या ट्राई किया था, कौन सी चीज़ें सबसे पसंद आई, हो सकता है मैं आऊँ नेक्स्ट टाइम तो उस चीज़ को इन्जॉय करूँ। और यदि आप आते हैं कभी भी इन फ्यूचर में तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। अब यहाँ से मैं चलता हूँ, KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन लाइक नियरेस्ट मेट्रो है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी नियरेस्ट ही है, तो यहाँ से मैं चलता हूँ और फिर हमारी ट्रेन है और नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वाओ, नाइट व्यू काफ़ी मज़ेदार है, लुलु मॉल का नाइट व्यू तो आप जरूर से ज़रूर देखिए।